वहीं यूपी सरकार ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं का सम्मान कर रही है। पैरालंपिक में दोनों पैरों से दिव्यांग साक्षी कसाना ने हिस्सा लेकर न सिर्फ यूपी का बल्कि देश का नाम गर्व से ऊंचा किया। उन्होंने कहा कि उन जैसे दिव्यांग लोग जो ये मन में सोचते कि शायद वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके लिए एक बड़ा मैसेज है। साक्षी को पैरालंपिक में हिस्सा लेने के लिए 10 लाख रुपए की राशि दी गई। साक्षी ग्रेटर नोएडा की रहने वाली है। और साक्षी कसाना जी इस वक्त हमारे साथ हैं। पैरालंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, अनफॉर्चुनेटली मेडल जरूर नहीं मिला, लेकिन 10 लाख की जो राशि है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से मैम आपको दी गई। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपने कर दिखाया है, शायद ही बहुत लोग अगर वो दिव्यांग है तो सोचते हैं कि शायद वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, इस बात का जिक्र सीएम साहब ने भी किया है, लेकिन आपने जो कर दिखाया, देश के लिए मेडल लाई, इसको किस तरीके से? सर, मेरे को बहुत ही खुशी है कि मैंने इतनी मेहनत करी और मैं अपने देश को पैरालंपिक्स दुनिया के सबसे बड़े गेम्स में रिप्रेजेंट कर पाई, और ये मेरे को सर ने प्रोत्साहन राशि प्रोवाइड कराई है, मतलब उन्होंने हमें सम्मान दिया है यहाँ पर इतना, तो इस चीज़ से भी मैं बहुत खुश हूँ। और आने वाले टाइम पर इस चीज़ को देखकर हमारे आने वाले खिलाड़ी बहुत ही प्रोत्साहित होंगे और आगे कड़ी मेहनत कर इस स्टेज तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लड़कियों महिलाओं की बात करें, आपको लगता है प्रदेश में अब लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स खेलना और भी आसान हो रहा है, क्योंकि जो सम्मान तो मिल ही रहा है, सरकारी नौकरी देने की भी बात योगी सरकार कर रही है? हाँ जी, लगता है कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन पहले से बहुत बड़ा है। हमारे पैरालंपिक्स में 2016 में सिर्फ एक ही मेडल था दीपा मलिक मैम का, उसके बाद टोक्यो में कोई मेडल नहीं था वुमेन्स का एथलेटिक्स में, बट इस बार हमारे वुमेन्स के बहुत मेडल आए हैं, जैसे कि हमारी सिमरन शर्मा हैं, उनका मेडल आया है, प्रीति पाल के 2 मेडल आए हैं, और भी देश में बहुत हैं खिलाड़ी जिनके बहुत मेडल आए हैं, तो इस बार पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा है वुमेन्स का और मेडल भी बहुत आए हैं।